हेलो, वेलकम टू मसाला मेन्यू। मैं मंजू, आपकी कुकिंग दोस्त। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स दाल डोसा। ये जो डोसा है मिक्स दाल का, वो हम बिना फर्मेंटेशन के यानी बिना खमीर उठाए बनाएंगे। और ये डोसा बनाने में बहुत ही आसान है। इस मिक्स दाल डोसा को आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, लंच या डिनर में कभी भी खा सकते हैं। और ये खाने में बहुत ही हल्का फुल्का होता है, क्योंकि हमने इस डोसा को मिक्स दालों से बनाया है। तो ये डोसा जो है प्रोटीन से भरपूर है। तो आप इस डोसा को अपनी डाइट में ज़रूर से शामिल कीजिए, कम से कम हफ्ते में एक बार। तो चलिए देख लेते हैं इस मिक्स दाल डोसा की रेसिपी और हमको इसको बनाने के लिए किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कप चावल। आप किसी भी प्रकार के चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पे तीन तरह की दालें ली हैं। एक कप मैंने ये अरहर की दाल ली है, जिसे तुअर की दाल भी कहते हैं। साथ में एक कप छिलके वाली मूंग की दाल है और एक कप धुली हुई उड़द की दाल है। आप इनके अलावा कोई दूसरी दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर तीन तरह की दाल ली है, आप चाहें तो चार तरह की दाल का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबको हम अच्छे से धो लेंगे, तीन बार पानी से आप धो लें और उसके बाद 5 से 6 घंटे के लिए हम इनको भिगो देंगे। तो चावल और दालों को मैंने 6 घंटे के लिए भिगो लिया और ये अब काफ़ी नरम हो चुके हैं। अब हम इनको पीस लेंगे और इनका हमको बहुत ही फाइन पेस्ट बनाना है। आप चाहें तो जब ये पेस्ट बनाएं उस टाइम पे इसमें अदरक ऐड कर सकते हैं और लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ प्लेन दाल और चावल को पीस रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसको पीस लेंगे। और आप इसमें पानी भी ज़रूर से ऐड करें, जिस पानी में हमने इनको भिगोया था उसी पानी का आप इस्तेमाल करें इनको ग्राइंड करने के लिए। तो ये मैंने पीस लिया है एक बार, तो काफ़ी फाइन पेस्ट बना है ये। ऐसा ही हमको पीसना है। इसको मैं एक बॉल में निकाल लेती हूँ और फिर जो बचा हुआ दाल और चावल है उसको भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। बहुत ही जल्दी डोसा बन के तैयार हो जाता है, तो नाश्ते के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। सुबह सुबह सबको जल्दी होती है तो आप फटाफट से इस तरह से ये डोसा बना सकते हैं। बचे हुए दाल चावल को भी मैंने पीस लिया और उसको सेम बॉल में मिक्स कर लिया। साथ में इसमें ऐड कर देंगे नमक, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लीजिए। अभी ये घोल थोड़ा गाढ़ा है तो इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी और वही पानी हम ऐड करेंगे जिसमें हमने दाल और चावल को भिगोया था। तो जैसी डोसे की कंसिस्टेंसी होती है हम वैसा ही इस बैटर को बना लेंगे। तो चलिए अब हम डोसा बना लेते हैं। गैस पर मैंने डोसे का तवा चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। और जब तवा गर्म हो जाएगा तो 2 बड़े चम्मच भरकर आप इस तरह से उसको फैला दीजिए और क्लॉक वाइज एक ही डायरेक्शन में उसको घुमाते रहिए। ये डोसा आज मैं नॉनस्टिक तवे पर यानी डोसे के तवे पर बना रही हूँ, पर इस डोसे को हम बहुत ही आसानी से लोहे के तवे पर भी बना सकते हैं जिस पर हम रोटियाँ सेकते हैं। तो अगर आपको सीखना है कि लोहे के तवे पर किस तरह से डोसा बनाया जाए जिससे वो बिल्कुल भी ना चिपके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो भी ज़रूर से लेके आऊँगी। तो एक साइड से देखिए सिक चुका है, आपको पलट के दिखा देती हूँ। और ये काफ़ी पतला डोसा मैंने बनाया था, तो आप इनको दूसरी साइड से सेकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत अच्छे से सिक चुका है। तो एक और डोसा मैं आपको इसी तरह से बना के दिखा देती हूँ। 2 चम्मच भर के हम बैटर को लेंगे और उसको सर्कुलर मोशन में एक ही साइड से हमको घुमाते हुए इसको फैलाना है। इस डोसा को बनाने के लिए मैंने बिल्कुल भी घी या तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। ना तो मैंने तवे पर घी डाला है और ना ही मैंने डोसा के ऊपर घी डाला है। तो ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है जो घी या तेल खाना अवॉइड करते हैं उनके लिए। तो ये डोसा भी सिक चुका है। और अगर आप चाहें तो आलू का मसाला इसी तरह यहाँ पर फिल कर सकते हैं, पर मैं अलग से आलू का मसाला सर्व करूँगी। तो मैं ये प्लेन डोसा बना रही हूँ बिना मसाले की। अच्छे से सिक चुका है और दूसरी साइड से हमको इसको सेकने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि काफ़ी पतला डोसा है, तो इसको हम उतार लेते हैं। इस मिक्स दाल डोसा को मैं यहाँ सर्व कर रही हूँ आलू के मसाले के साथ, साथ में नारियल और टमाटर की चटनी के साथ।
नारियल की चटनी की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी मिक्स दाल डोसा की रेसिपी। रेसिपी आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, हैप्पी कुकिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।